और अब वक्त हो गया है एबीपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन का। मेरे साथ मौजूद हैं प्रीति सप्रा। बंगाल में अमित शाह का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से झाड़ग्राम की रैली को अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से संबोधित किया और ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि ममता बंगाल को पाताल में ले गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी पुरुलिया में रैली की। ममता ने कहा कि मैं दर्द में हूं, लेकिन लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। अंबानी विस्फोटक केस में गिरफ्तारी के बाद सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में आरोपी हैं वाजे। वहीं घटना वाली रात इनोवा कार में एक शख्स पीपीई किट पहने दिखा था। अब एनआईए सचिन वाजे को पीपीई किट पहनाकर सीसीटीवी में दिखने वाले शख्स की चाल से मिलान करेगा। इस केस में एनआईए को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए ने इनोवा और स्कॉर्पियो कार के ड्राइवर्स की पहचान कर ली है। हालांकि एनआईए ने अभी नाम और पहचान उजागर नहीं की है। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने शोपिया एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के कमांडर सज्जाद अफगानी मार गिराया। शनिवार से शुरू हुए इस एनकाउंटर का आज तीसरा दिन है। इससे पहले कल शोपिया एनकाउंटर में लश्कर का एक स्थानीय आतंकी जहांगीर मारा गया था। सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि इलाके से 2 से 3 आतंकी और छिपे हैं, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।